दोस्तों, जैसा कि वीडियो के टाइटल और थंबनेल में है, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वे प्रोटीन पाउडर को पहचानने का बहुत ही आसान और सिंपल तरीका। इसकी मदद से आप आसानी से असली और नकली प्रोटीन में भेद बता पाएंगे और असली प्रोटीन की पहचान कर पाएंगे। दोस्तों, यदि आप जिम जा रहे हैं या फिर जिम जाकर बॉडी बनाने की सोच रहे हैं तो आपको सप्लीमेंट की जरूरत पड़ेगी, और सप्लीमेंट की जब बात आती है तो सबसे पहले आता है प्रोटीन। अगर आप अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाना चाहते हैं और अपनी बॉडी को एक अच्छा लुक देना चाहते हैं तो इसके लिए आपको प्रोटीन सप्लीमेंट लेना पड़ता है। प्रोटीन में आजकल जो सबसे ज्यादा पॉपुलर हो रहा है वो है वे प्रोटीन। जितना ज्यादा यह लोकप्रिय हो रहा है उतनी ही ज्यादा इसकी डुप्लीकेसी भी हो रही है। अब असली प्रोटीन पाउडर जितना हमारे लिए फायदेमंद है उतना ही ज्यादा नुकसानदेह नकली वे प्रोटीन पाउडर है, इसीलिए इसकी पहचान बहुत जरूरी है। तो चलिए कुछ आसान सा तरीका बताता हूँ जिसकी मदद से आप इस प्रोटीन पाउडर को आसानी से पहचान सकते हैं। दोस्तों, यदि आपने प्रोटीन पाउडर कहीं से खरीद लिया है और आपको नहीं पता है कि वो असली है या नकली है, तो उसकी जांच करने के लिए 1 चम्मच प्रोटीन पाउडर को पानी में घोलिए। यदि वो प्रोटीन पाउडर असली होगा तो वो पूरी तरह से पानी में घुल जाएगा, यदि वो नकली होगा तो वो कभी भी पानी में पूरी तरह से नहीं घुलेगा और अंत में थोड़ा सा रेसिडुअल टाइप का बच जाएगा जो कि पानी में बिल्कुल नहीं घुलेगा। दूसरा सबसे आसान तरीका है उसका कोड। दोस्तों, हर प्रोटीन पाउडर बनाने वाली कंपनी अपने डब्बे में एक कोड देती है जिसकी मदद से आप आसानी से उसकी जेन्युइनिटी का अंदाजा लगा सकते हैं। जैसे कि ये जो आप देख रहे हैं ये मसल ब्लेज का वे प्रोटीन पाउडर है, इसको मैंने ऑनलाइन परचेज किया है। अब चाहे आपने ऑनलाइन परचेज किया हो या ऑफलाइन, हर डब्बे के साथ एक कोड मिलता है, तो इसमें भी मुझे यह एक कोड मिला है। अब हम लोग इसकी जाँच करेंगे कि यह सही है या नहीं। दोस्तों, इसके लिए आपको गूगल क्रोम पे जाना होगा और यहाँ जाकर आपको लिखना होगा मसल ब्लेज जेन्युइन चेक। चूंकि ये मसल ब्लेज का है इसलिए मसल ब्लेज जेन्युइन चेक लिखेंगे हम, और जो ये तीसरा वाला आप देख रहे हैं इस पे जाकर हम क्लिक करेंगे तो हमें मसल ब्लेज की वेबसाइट पे पहुँच जाएंगे। यहाँ पे हमें जो कोड मिला है उसको हमें यहाँ एंटर करना है। उसको जब हम यहाँ एंटर करेंगे तो इसके बाद हमें मोबाइल नंबर मांगेगा, तो उसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर भी दे देना है और उसके बाद आपको चेक नाउ पे क्लिक करना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको मैसेज लिख कर के आएगा कि ऑसम, यू हैव ए जेन्युइन प्रोडक्ट। तो इस प्रकार से आप इसकी जांच कर सकते हैं कि आपका प्रोडक्ट असली है या नहीं। इसमें MFG डेट दिया हुआ है, बैच नंबर दिया हुआ है, तो आसानी से आप पता कर सकते हैं कि आपका प्रोटीन पाउडर असली है या नकली। दोस्तों, नकली प्रोटीन पाउडर की पहचान करने के लिए एक और तरीका है। इसके लिए आपको उसके डब्बे को केयरफुली चेक करना पड़ेगा। जो नकली डब्बा होगा उसमें जो लेबल होंगे वो इधर उधर लगे होंगे, सही से नहीं लगे होंगे, और उसमें जो स्पेलिंग होंगे उसमें भी मिस्टेक होने की संभावना होती है, क्योंकि ये जो नकली प्रोटीन पाउडर बनाते हैं ये लोग खुद से बनाते हैं, इसमें किसी मशीन का इस्तेमाल नहीं करते हैं। नकली प्रोटीन पाउडर बनाने वाले डब्बे में नकली स्टिकर चिपका देते हैं, क्योंकि यह काम वह हाथों से करते हैं जिसकी वजह से उसमें गलती होने की संभावना हो जाती है। तो आप उस लेवल को चेक करके भी पता लगा सकते हैं कि प्रोटीन पाउडर असली है या नकली। दोस्तों, नकली प्रोटीन पाउडर में भूख बढ़ाने वाली दवा मिली होती है जिसकी वजह से आपको ज्यादा भूख लगती है, आप ज्यादा खाते हैं और जल्दी ही मोटे हो जाते हैं, जबकि असली प्रोटीन पाउडर में ऐसा नहीं होता है। तो दोस्तों, यह थे कुछ तरीके जिसकी मदद से आप आसानी से प्रोटीन पाउडर को पहचान सकते हैं कि वो असली है या नकली। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक जरूर करें, और चैनल पर यदि पहली बार हैं तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।